जय श्री राम प्यारे भक्तों, कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। बहुत से मनुष्य फिर ऐसे कहते हैं कि हमने गुरु धारण नहीं कर रखा, गुरु हमें कैसे मिलेंगे, और बिना गुरु के तो ज्ञान है नहीं। और बिना गुरु के ज्ञान क्यों नहीं है प्यारे भक्तों, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जब आप भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू करते हो तो वो रास्ता आपके लिए नया है। कहीं पर भी आप नए रास्ते पर जाते हो तो अड़चने आती हैं पक्का। और जब आप भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो अड़चने तो वहाँ भी आएंगे, क्योंकि रास्ता नया है, आपको पता ही नहीं आगे क्या होगा, कैसे मंजिल तक पहुँचा जाएगा। तो वो गुरु जी फिर आपको उन अड़चनों से बाहर निकालते हैं, यानी कि रास्ता बताते हैं, इशारा करते हैं, संकेत देते हैं कि भाई अब ये करो ये करो, डरो मत, और मंजिल तक वो आपको अति शीघ्र पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है प्यारे भक्तों। बात ये आती है कि गुरु हमें मिलेंगे कैसे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे मनुष्य हैं जिनके प्रतिदिन कमेंट आते, जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखे, तो वो क्या करें बेचारे, वो चिंता बिल्कुल ना करें, वो एक काम करें बस केवल हमारे कहने से, क्योंकि ऐसा स्वयं भगवान ने प्रतिज्ञा ली है गीता में। भगवान कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा ली है भगवान ने प्यारे भक्तों, ध्यान से समझिए। भगवान ने कहा है योग सेमम अहम वहामि, यानी योग का मतलब है अप्राप्त की प्राप्ति, और शेम का मतलब है जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं वहन करता हूँ। इस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए जो जो आवश्यक वस्तु या साधन हमें प्राप्त हैं, सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से बचाकर उनकी रक्षा करना, और जिस वस्तु या साधन की कमी है उसकी पूर्ति करके स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना, इसकी जिम्मेवारी भगवान ने अपने ऊपर ली है। जब भगवान ने ये जिम्मेवारी ले ली है प्यारे भक्तों, तो चिंता किस बात की है, वो गुरु को भी आपके पास अवश्य ही भेज देंगे, कोई ना कोई जरिया जरूर बनाएंगे। भाई आप भगवान का नाम जपते हो, भक्ति करते हो, भगवान देख रहे हैं कि मेरा नाम जपता है ये मेरा भक्त, इसको गुरु की आवश्यकता है, तो वो चाहे किसी भी माध्यम से आपके पास गुरु को भेजेंगे। क्योंकि आजकल सारा वर्ल्ड डिजिटल हो गया है, तो हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से, हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से, हो सकता है किसी के प्रवचन के माध्यम से, हो सकता है कोई आपके पास बिल्कुल साक्षात ही रूप भेज दे, साकार रूप भेज दे, तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो भेजेगा ज़रूर। क्योंकि हमने ये भी बताया किसी सोशल मीडिया के द्वारा अगर आपको किसी के प्रवचनों से मन आपका ठहरता है, अच्छे लगते हैं, तो आप अपना गुरु उसको धारण कर सकते हो मन के द्वारा, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमने बताया हुआ है। तो गुरु का मतलब यही होता है कि वो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, और वो आपके अगर प्रश्नों का उत्तर देता है तो आप उसको गुरु धारण कर सकते हो। तो आप निश्चिंत रहें कि हमारे गुरु नहीं है, हमें धारण नहीं करा तो हमारा क्या होगा, क्योंकि गुरु भेजना भगवान का काम है, उसने स्वयं ये प्रतिज्ञा ली है, उसकी जिम्मेवारी है। आपका तो काम है भक्ति करना और निष्काम भाव से भगवान को नित्य निरंतर भजना, तो फिर वो गुरु को आपके दर पे, आपके घर पे ही भेजेगा, किसी ना किसी माध्यम से अवश्य आपका मिलन उससे करवा देगा, और ऐसे गुरु से करवाएगा जो बिल्कुल पूर्ण गुरु हो, जो बिल्कुल अच्छा गुरु होगा आपके लिए, जो प्रैक्टिकल गुरु होगा, जिसको ज्ञान होगा, क्योंकि आपने भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा कर लिया और उसका नित्य निरंतर आप उसके नाम का जप करते हो, तो सारी चिंता उसकी, चिंतन करो चिंतन, चिंता तुम्हारी वो करेगा। तो प्यारे भक्तों, हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।